तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम एमएस वर्ड में बिजनेस कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड बनाना सीखेंगे। ये आप अपने कंप्यूटर से ही बना सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि एमएस वर्ड सबके कंप्यूटर में होता है, तो आसानी से आप डिज़ाइन करके जा करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं शेप्स करके होगा आपके में, तो शेप्स को जैसे क्लिक करेंगे, एक अच्छा सा शेप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ले लिया हूँ, इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर एक पॉपअप खुल जाएगा, शेप में रहेगा हमारा क्लिक, और यहाँ पर एक पॉपअप खुलेगा साइज। साइज को जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, तो हाइट और यहाँ पर विड्थ का साइज आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको रख देता हूँ 5.7 सेंटीमीटर, और उसी तरह यहाँ पर कर देता हूँ 9.3 सेंटीमीटर। ये आपके में इंच में भी होगा तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर है तो किसी के में इंच, तो यहाँ पर आप स्पेस दबाकर सेंटीमीटर लिखेंगे तो आ जाएगा। तो ये एक्चुअल साइज हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कलर कर सकते हैं। जैसे इस तरह से कुछ भी कलर जैसे कर सकते हैं, या तो फिर आप इसके और अट्रैक्टिव लगे तो इसके बैकग्राउंड में कुछ लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल इसमें आ करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जैसे करेंगे फॉर्मेट सेव करके आएगा, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर फिल करके ऑप्शन आएगा, यहाँ पर पिक्चर और टेक्सचर आ जाएगा। तो जैसे इसको क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, गूगल से कोई भी बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड कर लेना, बहुत ही जैसे गोल्डन या तो ये ब्लैक कलर का, तो मैंने वो गूगल से डाउनलोड कर लिया। आप अपने हिसाब से कुछ भी फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैं इंसर्ट में गया और यहाँ पर वर्क ऑफलाइन में जाऊँगा, और यहाँ पर जा करके PNG ये वाला, ये सबको PNG में डाउनलोड कर लिया हूँ गूगल में, और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड करके कर लिया हूँ। तो इसको मैं कर दूँगा इंसर्ट, जैसे यहाँ इंसर्ट करूँगा ये यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद अगर आप ट्रांसपेरेंसी करना चाहते हैं तो इसको कम ज़्यादा भी करके देख सकते हैं, और नहीं करना है तो आपको पूरा इसी तरह रख दीजिए। अब उसके बाद इसको कैंसिल कर दीजिए, ये तो हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर आ करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे आउटर साइड, इसके आउटर साइड में दूसरा कलर दिख रहा है, तो यहाँ पर हम करेंगे ब्लैक ही कर देंगे, या तो फिर इसको वाइट कर देंगे। इस तरह से ब्लैक करेंगे तो डार्क आ जाएगा, यहाँ पर देखिए। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ डिज़ाइन देना। तो यहाँ इंसर्ट में चले जाएंगे और यहाँ पर फिर से एक नया शेप ले लेंगे इस तरह से। जैसे मैं यहाँ पर फिर से एक रेक्टेंगल ले लिया, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दूँगा इसको, ये ड्रॉ कर दिया और इसको अच्छे से उसमें एडजस्ट कर दिया। अब क्या करना है, इसको इस रेक्टेंगल को क्लिक करके आपको यहाँ पर सेव फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर एडिट पॉइंट आएगा। एडिट पॉइंट आएगा तो आप इसको आसानी से एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पर इसको इस तरह से, ये देखिए इस तरह कर दिया, और इसमें राइट क्लिक किया और यहाँ पर कलर दिया, और यहाँ येलो दे दिया, और इसके आउटर साइड को भी मैं येलो दे देंगे इस तरह से, येलो देंगे तो अच्छा लग रहा है। अब इसको मैं इसी में आ करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया। अब ये और बन गया हमारे पास। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पकड़ेंगे और अपने माउस से रोटेट कर देंगे, तो रोटेट करेंगे तो इस तरह से वो रोटेट हो जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर इसको इस तरह से, ये हो गया। अब हमको क्या है, हमको एड्रेस चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, और अगर आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट। ये सबका लोगो PNG गूगल से आप डाउनलोड कर लीजिए आप अपने हिसाब से। तो मैं रेड रेड कलर डाउनलोड कर लिया हूँ, तो अब उसको इंसर्ट करूँगा यहाँ। तो यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पिक्चर, पिक्चर में दिस डिवाइस, तो यहाँ पर करूँगा। अब मैं सबसे पहले कर दूँगा अपना एड्रेस, एड्रेस का ये है गूगल मैप का, तो इसको कर लूँगा इस तरह से, मैं कर लिया हूँ। और इसको अब ये पीछे में आ रहा है, तो राइट सामने में लाने के लिए राइट क्लिक करना है इसमें, और यहाँ पर रैप टेक्स्ट में जाएंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इसको क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद इसको एक छोटा सा कर लेंगे यहाँ पर, इसको पकड़ के यहाँ पर लेके आ जाएंगे, यहाँ पर यहाँ रख देंगे। इसी तरह दूसरा कर लेंगे, सेम वही चीज़ कर देते हैं इसमें भी, रैप टेक्स्ट पीछे रहता है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इसको भी छोटा कर लेंगे, इसको यहाँ लेके आ जाएंगे। उसी तरह और इंसर्ट कर लेंगे, उसी तरह और इंसर्ट कर लेंगे,
ये इंसर्ट कर लिए। अब क्या है, इसमें एड्रेस के सामने एड्रेस लिखेंगे, ईमेल के सामने ईमेल, फ़ोन नंबर के सामने फ़ोन, और वेबसाइट के सामने फ़ोन वेबसाइट। तो इसके लिए क्या करना है, आपको टेक्स्ट लेना है, तो इंसर्ट में जाना है। यहाँ पर इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ टेक्स्ट करके है, इस टेक्स्ट को जैसे क्लिक करेंगे वर्ड आर्ट में चले जाना। वर्ड आर्ट को जैसे क्लिक करेंगे कोई भी एक ले लेंगे, तो जैसे मैं इसको ले लिया। इसको लेने के बाद आप यहाँ पर पकड़ के आप यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए इसको आराम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर आने के बाद ये तो पहले से फॉर्मेटिंग है, तो इस फॉर्मेटिंग को हटाना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद आपको यहाँ जैसे फॉन्ट में आएंगे, या तो आपके में ऊपर में दिख रहा होगा, तो आप इस तरह से देख लीजिए, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करके होगा। इसको जैसे क्लिक करेंगे इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा इस तरह से अपने हिसाब से। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से आप जैसे मैं यहाँ पर दूसरा फॉन्ट ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर एरियल ब्लैक ले लेता हूँ, और साइज भी यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, और कलर भी दे सकते हैं। तो जैसे मैं कलर यहाँ पर गया और ये वाले में कलर ले लिया वाइट, वाइट इसमें अच्छा से वो दिखेगा, तो यहाँ पर वाइट ले लिया मैं। अब यहाँ पर इस हिसाब से अब आ करके यहाँ पर मैं एडिट कर दूंगा इसको थोड़ा सा ऐसे, ये लिखा गया। अभी मैं जैसे इंटर करूँगा नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर भी लिख दूंगा ईमेल एड्रेस। उसके बाद फिर से एक इंटर कर दूंगा, उसके बाद फिर से एक इंटर कर दूंगा। अब ये लिखा गया, अब इसको अच्छे से एडजस्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर कॉर्नर को पकड़ेंगे और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है इस तरह से। अब क्या है, यहाँ पर आपको लोगो लगाना है, तो लोगो लगाने के लिए इंसर्ट में जाना है, यहाँ पर चले जाना है, फिर से एक शेप ले लेना है, राउंड शेप ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ पर आपका लोगो आ जाएगा इस तरह से। अब इसमें आ करके राइट क्लिक करना है, और यहाँ फिल कलर में वाइट ले लेंगे इस तरह से, इसका भी फिल कलर में वाइट ले लेंगे। तो ये यहाँ पर आप लोगो लगा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, या तो फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप में चले जाएंगे, और यहाँ पर आप चले जाएंगे फिल में। फिल में जाने के बाद पिक्चर और टेक्सचर में चले जाएंगे, जैसे ओके करेंगे इंसर्ट ऑप्शन आएगा, इंसर्ट में वर्क ऑफलाइन यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर ये मेरे लोगो हो, तो यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा। ये देख सकते हैं ये लोगो यहाँ लग गया। इसी तरह यहाँ पर आपका अच्छा बोल्ड लेटर में नेम भी आ जाए, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद टेक्स्ट में जाना है, और यहाँ वर्ड आर्ट में चले जाना है, और यहाँ पर ले लेना है बोल्ड में आ जाएगा वो। अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर सकते हैं, या क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इसको छोटा बड़ा भी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से बोल्ड कर दीजिए, और उसके बाद इसको कलर करना है, तो कलर में जाएंगे दो इस तरह से वाइट कलर, या तो फिर दूसरा भी कलर देख सकते हैं जो भी अच्छा लगे आपको। इस कलर को ले लेते हैं, और यहाँ पर से इसको एडजस्ट बीच में एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए ये आपका बन गया बिजनेस कार्ड, जहाँ प्रिंटर लगा होगा या तो आपके पास होगा या तो फिर किसी दुकान में, तो ये वाले को आप वहाँ प्रिंट या तो फिर मेल कर सकते हैं इस फाइल को। यहाँ पर जा करके इसको सेव कर लीजिए, ये सेव हो गया। अब यहाँ पर जा करके आप इसको PDF में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैं फाइल में गया, यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर सेव एस में जा करके यहाँ पर आप यहाँ सेव एस टाइप में PDF ले लीजिए, और यहाँ पर कुछ नाम दे दीजिए इस तरह से, और यहाँ आप डेस्कटॉप में इसको सेव कर लीजिए। जैसे सेव करेंगे वो सेव हो जाएगा। अब इस यहाँ पर PDF आ गया, अब इसको मेल भी कर सकते हैं, और इसको आसानी से प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।